थैंक यू सो वेरी मच। और इस मूवी के बारे में जो कहा जा सकता था वो कहा जा चुका है, तो उन्होंने भी बोल दिया गिप्पी जी ने भी, लेकिन फिर भी एक बार ये नीचे वाली लाइन इसके बारे में जरूर बात करना चाहूंगा। अरदास फ्रेंचाइजी हमारी हर बार ये टैगलाइन बदलती है, और इस बार ये जो लाइन है इसका बहुत बड़ा मतलब भी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी है कि जब भी हम गुरुद्वारे जाते हैं ना, तो उसमें जब हमारा वो जो नित का नित कर्म जिसे हम बोलते हैं, नित नेम जिसे बोलते हैं, तो लास्ट लाइन यही होती है अरदास के बाद, जब हम खड़े होते हैं अपनी याचना प्रेयर करके, तो लास्ट लाइन यही होती है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे तेरे भाणे सरबत दा भला। तब हम उस भगवान अल्लाह वाहिगुरु को कहते हैं कि सबको हाई स्पिरिट्स में रखना और सबका भला करना। अपना भला मांगने सब जाते हैं गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए बंगला मांगने जाते हैं, अपने लिए बच्चों की कामयाबी मांगने जाते हैं, कोई अपने बच्चों को फॉरेन सेटल करना चाहता है, रोटी रोजी के अलावा भी हमारे बहुत से मसले हैं जो हम मांगने जाते हैं। लेकिन ये एक सिद्धांत है, ये एक फलसफा है जो कहता है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत सरबत दा भला। अगर मांगना है तो यही मांगना चाहिए कि सबका भला करना, क्योंकि सारी दुनिया खुश है तो फिर हम लोग भी उसी दुनिया का एक हिस्सा हैं, तभी हम लोग खुश रह पाएंगे। और बहुत ज्यादा मतलब फिलोसफी में तो नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन हमारा एक इमोशन जुड़ा होता है ये पिक्चर के साथ। और जैसे गिप्पी भाई ने कहा, रोहित जी, हमने जब ये पहली पिक्चर कैरी ऑन जट्टा, हमारी एक उसने पंजाबी सिनेमा चेंज किया था, कैरी ऑन जट्टा फर्स्ट थी जो, तो उसमें मतलब हम पूरे नशे में थे कि हमने कैरी ऑन जट्टा की, उसके बाद ऐसी और पिक्चरें आएंगी, तो एकदम से मुझे इन्होंने झटका दिया कि हमने एक पिक्चर बनानी है जो लोगों को एक नया रास्ता दिखाएगी सोशल। तो ये मैंने कहा यार प्रीचिंग कौन लेता है फिल्मों से भाई, कैरियन जट्टा चल चुकी है तो रेल बना दो इसकी, इसके पीछे डिब्बे जोड़ते जाओ। लेकिन अरदास ने हमें सिखाया कि सीरियस सिनेमा क्या होता है, लोगों को सिनेमा कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये हमें अरदास ने सिखाया। अरदास के बाद अरदास करा, उसके बाद आज अरदास सरबत दे भले दी। तो इस पिक्चर के लिए हम जितना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन आज सिर्फ ट्रेलर है तो सिर्फ ट्रेलर जितना ही बोलेंगे। थैंक यू जी। जैस्मिन।